हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भीगे हुए बादाम खाने के फायदे। भीगे हुए बादाम खाने के बहुत ही अद्भुत फायदे हैं जो आज हम आपको अपने चैनल के द्वारा बताने जा रहे हैं। हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको सब अच्छे समझ आ जाए कि आपने इनका सेवन कैसे और किस प्रकार करना है। यह जानकारी आपको देने से पहले मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा, अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक नुस्खों की जानकारी हमारे इस चैनल के द्वारा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो जैसा कि अक्सर सब जानते हैं, बादाम हमें भिगो कर खाने चाहिए, पर आपको बादाम कौन से भिगो के खाने चाहिए वो आज हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। जैसे कि एक छोटा बादाम होता है और एक बड़े वाला बादाम होता है, आपने एक छोटा बादाम भिगो कर खाना है, इसको बोलते हैं गुरबंदी। छोटे बादाम होते हैं, बिल्कुल प्योर बादाम होते हैं, इनके अंदर तेल भी अधिक मात्रा में होता है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। हमारे शरीर में अगर कहीं भी कमजोरी आ रही है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो जो इसका तेल होता है वो हमारी हड्डियों में बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है और हमारी हड्डियों का दर्द बिल्कुल ठीक कर देता है। भिगो कर खाने से इनकी जो तासीर होती है, गर्म होती है, भिगो कर खाने से वो तासीर भी इनकी ख़त्म हो जाती है, परंतु इनके जो गुण हैं वो गुण भिगोने से ख़त्म नहीं होते, इनके गुण भिगोने से डबल हो जाते हैं। इस प्रकार आप रात्रि के समय में 5 से 10 कलियां इस प्रकार अच्छे से पानी में भिगो कर रख दें और सुबह के समय इन कलियों को आप छील कर खाएं। इनको खाने से आपके एक तो आंखों की कमजोरी जो है, आपकी आंखों को आपको धुंधलापन दिखाई देता है या आपके आंखों में कोई पानी आता है आपको दूर का दिखाई नहीं देता है, तो आप इन बादाम का सेवन करेंगे तो धीरे धीरे आपकी आंखों की रोशनी भी तेज होने लग जाएगी। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या आपके बाल में कुछ प्रॉब्लम आ गई है जिससे आपके बालों में डैंड्रफ है या खुश्की रहती है, आपके बाल टूटते हैं, तो भी आप बादाम का सेवन करेंगे तो आपके बालों की समस्या भी बिल्कुल दूर हो जाएगी, क्योंकि जो इसमें विटामिन ई होता है, विटामिन ई की कमी के कारण ही बालों का झड़ना, बालों का टूटना शुरू होता है। तो बादाम के सेवन से आपके इस समस्या से भी निजात पा सकते हैं। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है या दस्त कमज़ोर है या आपके खुद की, कई बार हमें ऐसा एहसास होता है, हम बाज़ार में जाते हैं सामान लेने के लिए, हम बाज़ार में जाके याद नहीं आता कि हम सामान लेने के आए थे, क्या क्या लेके आना था हमें, तो लिस्ट बना के रखनी पड़ती है क्या 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 हमने सामान लेने जाना है बाज़ार से। अगर आप बादाम खाना शुरू कर देंगे तो आपको महीना पहले भी याद रहेगा कि मैंने आज इस दिन कौन सी सब्जी बनाई थी और कौन सी सब्जी खाई थी, किस रंग के कपड़े डाले थे। आपको बादाम से इतनी याददाश्त आपकी तेज हो जाएगी कि आपको पुरानी बातें भी याद रहा करेंगी, आपको नई बात तो याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि आपको क्या लेने जाना है बाजार में, बाजार से आपने क्या लेके आना है। कई बार ऐसा होता है हम बाजार से कोई सामान लेके आते हैं और अगली बार दोबारा लेने जाते हैं तो दुकानदार रेट ज़्यादा लगा देता है, तब हमें याद भी नहीं आता कि पिछली बार रेट उसने क्या लगाया था। तो बादाम के सेवन से याददाश्त इतनी तेज हो जाती है कि आपको खुद याद रहेगा हर से आप पिछली बार वो सामान क्या रेट लाए थे, वो भी आपको याद रहेगा। बादाम खाने से इतनी याददाश्त हमारी तेज हो जाती है, आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपकी याददाश्त भी अब इतनी तेज हो गई है। तो ऐसा ही फर्क हमारे बच्चों को देखने में भी मिलता है, जो उनको स्टडी टाइम में दिक्कत आया करती थी वो याद करने के बाद भी भूल जाया करते थे, घर पर याद करते थे और स्कूल जाकर भूल जाते थे और उन्हें मैडम की डांट खानी पड़ती थी। तो बादाम खाने से बच्चों की याददाश्त भी तेज हो जाएगी कि वो जो कुछ भी याद करके जाएंगे वो मैडम को अपनी सुनाएंगे, सर को सुनाएंगे और सर भी उनसे खुश हो जाएंगे। तो इस छोटे से नुस्खे के द्वारा आप बहुत ही आसानी से अपने बच्चों की याददाश्त भी बढ़ा सकते हैं और अपनी भी याददाश्त तेज कर सकते हैं। आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, घुटनों का दर्द है वो भी सब दूर हो जाएगा और हमारे शरीर में इतनी एनर्जी आ जाती है इस बादाम खाने से कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी बताने के लिए हमारे चैनल पर कमेंट करें, लाइक करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपके जरिए औरों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो जिन दर्शकों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक नुस्खों की जानकारी हमारे इस चैनल के द्वारा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।